आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, अब दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट रिएक्शन फॉर नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा रिएक्शन करेक्ट है फॉर द नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन के लिए, कौन सा रिएक्शन करेक्ट बताया। पहले ऑप्शन में क्या बोला, नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट एंड NH4Cl टू प्रोड्यूस एनिलीन। नेक्स्ट बोला नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद LiAlH4 विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन। नेक्स्ट बोला नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद FeNHCl टू प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन। लास्ट बोला नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट एंड NH4Cl टू प्रोड्यूस फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन। यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे तीन रिएजेंट्स हमें गिवन है। एक है हमारा जिंक डस्ट प्लस NH4Cl, एक है हमारा Fe प्लस HCl और एक है हमारा LiAlH4। इन तीनों के साथ रिएक्शन करवाने पे नाइट्रोबेंजीन का क्या बनता है। तो पहले जिंक डस्ट और NH4Cl से देख लेते हैं। तो जो हमारा नाइट्रो बेंजीन होता है जब वो रिएक्ट करता है हमारा NH4Cl और जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट और NH4Cl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है N फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन प्लस H2। क्या है ये N फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट करता है Fe और HCl के साथ तो क्या बनाता है, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये बेंजीन है का फॉर्मेशन एनिलीन बनता है। ठीक है, वहीं जब हम नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराते हैं तो हमारा एजो बेंजीन बनता है। एजो बेंजीन में क्या होता है, दो बेंजीन रिंग हमारा N डबल बॉन्ड N के साथ अटैच्ड रहता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या होता है, एजो बेंजीन। ठीक है, अब हमें करेक्ट रिएक्शन देखना, कौन सा रिएक्शन करेक्ट है। तो पहला बोल रहा है नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद जिंक डस्ट एंड NH4Cl टू प्रोड्यूस एनिलीन। नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों, हमारा जो नाइट्रोबेंजीन है वो Fe और HCl के साथ रिएक्ट करके एनिलीन बना रहा होता है। नेक्स्ट बोला नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद LiAlH4 टू प्रोड्यूस फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो जिंक डस्ट और NH4Cl के साथ मिलके फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन बनाता होता है और LiAlH4 के साथ वो एजो बेंजीन बनाता है। नेक्स्ट बोला नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद FeNHCl टू प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि जब वो Fe और HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा Fe और HCl के साथ रिएक्ट करने पे हमारा क्या बनता है, एनिलीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट एंड NH4Cl टू प्रोड्यूस फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो हमारा नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट करता है जिंक डस्ट और NH4Cl के साथ तो फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमीन प्रोड्यूस होता है। हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।